अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू खरीदारी। मेरा नाम तैयब है और ये है टेक्नो कैमन 18T की अनबॉक्सिंग और हमारे फर्स्ट इंप्रेशंस। दोस्तों, टेक्नो कैमन 18T आज ही के दिन पाकिस्तानी मार्केट में लॉन्च किया है और मेरा ख्याल है कि आपका भाई सबसे पहले पाकिस्तान में इसको अनबॉक्स कर रहा है, तो मेक श्योर इस वीडियो को अभी से लाइक कर दीजिएगा। सबसे पहले अगर हम इसकी प्राइस की बात करें तो कंपनी ने इसकी रिटेल प्राइस 28,000 रुपया फिक्स की है। ऑफलाइन मार्केट में डेफिनेटली आपको 26 से 26,500 के आसपास देखने को मिल जाएगा। यहाँ पर इसके हाईलाइटिंग फीचर्स की बात करें तो 4GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज है। साथ ही साथ यहाँ पर आपको एक 6.8 इंच का फुल HD प्लस रेजोल्यूशन वाला IPS डिस्प्ले देखने को मिलेगा। जी हाँ दोस्तों, यहाँ पे IPS डिस्प्ले लगाया गया है, जबकि 1,000-2,000 रुपये एक्स्ट्रा खर्च करके हमें इन्फिनिक्स नोट 11 में एक AMOLED डिस्प्ले देखने को मिल रहा है। आगे चल के बात कर लें टेक्नो कैमन 18T के चिपसेट की, तो यहाँ पे मीडिया टेक का हीलियो G85 चिपसेट लगाया गया है, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है, 5000mAh की बैटरी है और 18W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट है। तो आज करेंगे हम इसकी अनबॉक्सिंग, साथ ही साथ दूंगा मैं आपको इसका क्विक रिव्यू और देखेंगे कि 28,000 रुपये की प्राइस में हमें टेक्नो कैमन 18T को कंसीडर करना चाहिए या नहीं। इससे पहले कि हम इसकी अनबॉक्सिंग की तरफ चलें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लें, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि लेटेस्ट वीडियोस के नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिल सकें। इंस्टाग्राम पर जाके ज़रूर फॉलो कर लें, क्योंकि वहाँ पर कोई भी लेटेस्ट अपडेट होती है तो मैं सबसे पहले देता हूँ। तो अब आप लोगों को ज़्यादा बोर नहीं करता और हम चलते हैं टेक्नो कैमन 18T को अनबॉक्स करने। ओके जी, तो सबसे पहले चलते हैं हम इसके बॉक्स की तरफ, जहाँ पे कैमन 18T की ब्रांडिंग की गई है, साथ ही साथ वारंटी स्टिकर भी लगाया गया है। अब बैक साइड पे चलें तो यहाँ पे इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिसमें 5000mAh की बैटरी है, 48MP की AI ट्रिपल कैमरा है, फ्रंट साइड पे भी आपको 48MP का सेल्फी शूटर देखने को मिलता है, मीडिया टेक का हेलियो G85 चिपसेट है और भी काफ़ी सारे फीचर्स हैं जिनको बॉक्स खोलने के बाद डिस्कस करते हैं। लेफ्ट साइड पे चलें तो PTA अप्रूवल का स्टिकर लगाया गया है, जिसका मतलब है फोन PTA से ऑलरेडी अप्रूव्ड है। नीचे वाले साइड पे इसका वेरिएंट मेंशन किया गया है, साथ ही साथ इसका कलर मेंशन किया गया है, जिस कलर को आज हम अनबॉक्स करने जा रहे हैं वो ग्रे कलर है। तो जल्दी से कर लेते हैं इसको अनबॉक्स और देखते हैं इसकी फर्स्ट लुक और फर्स्ट इंप्रेशंस कैसे हैं। तो सबसे पहले हम इसकी लिड को ओपन कर लेते हैं। सबसे पहले आपको आपका टेक्नो कैमन 18T देखने को मिलेगा, जो कि इस ढीले से शॉपर में है भाई। आगे चल के बॉक्स में से आपको एक सिलिकन केस देखने को मिलेगा, जिसकी क्वालिटी मुझे काफी नॉर्मल लग रही है और यहाँ पे बैक पे कैमन की ब्रांडिंग भी की गई है। साथ ही साथ यहाँ पे आपको इसका वारंटी कार्ड देखने को मिलेगा, 13 महीनों की ऑफिशियल वारंटी है, कुछ यूज़र मैनुअल्स देखने को मिलेंगे। बॉक्स में से आपको एक 18 वॉट का पावर ब्रेक भी देखने को मिलेगा। आगे चल के आपको एक USB-A टाइप टू USB-C टाइप चार्जिंग केबल देखने को मिलेगी। खुशी की खबर यह है कि यहाँ पे हैंड्स फ्री भी रखी गई है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी नॉर्मल है। इसके अलावा बॉक्स में से आपको एक सिम इजेक्शन टूल भी देखने को मिलेगा। इसके अलावा इसके बॉक्स में और कुछ नहीं है। तो अब चलते हैं हम अपने टेक्नो कैमन 18T की तरफ, जहाँ पे वापस से इसके कुछ हाईलाइटिंग फीचर्स को मेंशन किया गया है, जिनको मैं ऑलरेडी आपके साथ शेयर कर चुका हूँ। तो इसको इसके कवर से निकाल लेते हैं। जी हाँ दोस्तों, ये है हमारा टेक्नो कैमन 18 और इट लुक्स टू गुड। 4GB 128GB वाला वेरिएंट है, 28,000 रुपये की प्राइस रेंज में है और डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कमाल है। बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है। बिल्ड क्वालिटी की बात करें तो बैक साइड इसकी प्लास्टिक की है, लेकिन देखने में ऐसा फील हो रहा है कि भाई ग्लास है और ग्लास्टिक मटेरियल लगाया गया है। ओवरऑल इसका डिज़ाइन और लुक हैंड फील मुझे काफ़ी ज़्यादा पसंद आ रही है। अब इसके फ्रेम की बात कर लें तो फ्रेम भी इसका प्लास्टिक का बनाया गया है। राइट साइड पे इसका पावर बटन है, साथ ही साथ वॉल्यूम रॉकर्स रखे गए हैं। टॉप साइड बिल्कुल प्लेन है। अब लेफ्ट साइड की बात करें तो यहाँ पे इसका सिम ट्रे है। नीचे वाली साइड पे बात करें तो ऑक्स जैक है, माइक है, USB-C टाइप चार्जिंग पोर्ट है और स्पीकर ग्रिल्स हैं। अब यहाँ पे नॉइस कैंसिलेशन के लिए कोई भी माइक नहीं रखा गया। खोल के देख लेते हैं इसके सिम ट्रे को और देखते हैं किस तरह की सिम्स को सपोर्ट करता है ये फ़ोन। तो यहाँ पे आपको एक वक्त में 2 सिम्स के साथ मेमोरी कार्ड की भी सपोर्ट देखने को मिलेगी, जो कि डेफिनेटली काफ़ी ज़बरदस्त बात है। तो अब बात कर लेते हैं हम टेक्नो कैमन 18T के वेट की, क्योंकि वेट काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है डिवाइस के लिए और इससे हैंड फील का अंदाज़ा होता है। तो यहाँ पे चेकआउट कर लेते हैं हमारे टेक्नो कैमन 18T का वेट क्या है। तो हमारी डिवाइस का वेट है दोस्तों यहाँ पे 205 ग्राम। डेफिनेटली काफ़ी हैवी लग रही है डिवाइस। हैंड फील अच्छी है लेकिन थोड़ा सा भारी फ़ोन है, लेकिन ओवरऑल इसका डिज़ाइन और फिलॉसफी सारा कुछ मुझे काफ़ी पसंद आया है। अब यहाँ पे कर लेते हैं हम फ़ोन को ऑन और इसको सेटअप करने के बाद मैं वापस से मिलता हूँ आपके साथ। जी हाँ दोस्तों, हमारा फोन यहाँ पे एक्टिवेट हो चुका है। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं हम इसके डिस्प्ले की। 6.8 इंच का IPS LCD डिस्प्ले लगाया गया है, जहाँ पे आपको स्क्रीन रेजोल्यूशन 1080x2460 पिक्सल्स देखने को मिलेगी, यानी कि फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन लगाया गया है। अब यहाँ पे मैक्सिमम ब्राइटनेस निट्स की बात करें तो 480 निट्स रखे गए हैं। अब यहाँ पे बताता चलूँ कि किसी किस्म का हायर रिफ्रेश रेट नहीं रखा गया, 60Hz का रिफ्रेश रेट है, यानी कि आपको यहाँ पे 90Hz का रिफ्रेश रेट देखने को नहीं मिलेगा। अब स्क्रीन टू बॉडी रेशियो की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको 82.8%
देखने को मिलती है स्क्रीन टू बॉडी रेशियो। अब यहाँ पे बेजल्स को भी थोड़ा सा मोटा रखा गया है और चिन को भी थोड़ा सा मोटा रखा गया है, लेकिन ओवरऑल इसका डिस्प्ले का एक्सपीरियंस मुझे काफ़ी ज़बरदस्त लग रहा है। स्पेशली इस पंच होल की वजह से ये डिस्प्ले मुझे काफ़ी खूबसूरत देखने को लग रहा है। अब आगे चल के बात कर लें अगर हम इसके प्लेटफॉर्म की, तो टेक्नो कैमन 18T में आउट ऑफ बॉक्स आपको एंड्रॉयड 11 की सपोर्ट देखने को मिलेगी, जो कि टेक्नो के अपने हाईएस्ट वर्जन 8 के साथ आता है। कुछ इंटरनल स्पेक्स की बात कर ली जाए तो यहाँ पे आपको 4GB रैम के साथ 128GB बिल्ट इन स्टोरेज देखने को मिलेगी। साथ ही साथ यहाँ पे मीडिया टेक का हीलियो G85 चिपसेट देखने को मिलेगा, जो कि 12 नैनोमीटर के आर्किटेक्चर पर बेस्ड है। अब यहाँ पे कैमराज में मेजर चेंजेस हैं। बैक साइड पर भी आपको 48 मेगापिक्सल का ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जबकि फ्रंट साइड पर भी आपको 48 मेगापिक्सल का कैमरा देखने को मिलता है। स्टोरेज की बात कर ली जाए तो EMMC 5.1 पे बेस्ड है इसकी स्टोरेज। साथ ही साथ इसके अगर GPU की बात कर लें तो माली G52 का GPU लगाया गया। अब टेक्नो कैमन 18T में आपको फेस अनलॉक और फिंगरप्रिंट दोनों ही की सपोर्ट देखने को मिलेगी। दोनों को एनरोल कर लिया मैंने, तो टेस्ट आउट कर लेते हैं कैसी निकल के आती है स्पीड सामने। सबसे पहले फिंगरप्रिंट को चेक करते हैं, तो फिंगरप्रिंट की स्पीड मुझे काफ़ी ज़्यादा ज़बरदस्त लग रही है और फ़ौरन से डिटेक्ट कर रहा है और डिले नहीं ले रहा और फ़ोन को अच्छे से अनलॉक कर रहा है। अब चेकआउट कर लेते हैं फेस अनलॉक की स्पीड को, तो फेस अनलॉक यहाँ पे मुझे काफ़ी डिले लेता नज़र आ रहा है। जी हाँ दोस्तों, फेस अनलॉक की स्पीड काफ़ी हद तक स्लो है एज़ कम्पेयर टू फिंगरप्रिंट सेंसर। यहाँ पे कुछ ऑप्टिमाइज कर लिया जाता तो बेहतर था। अब आगे चल के बात कर लेते हैं हम टेक्नो कैमन 18T के कैमराज की, तो यहाँ पे बैक साइड पे आपको ट्रिपल कैमरा सेटअप देखने को मिलता है, जहाँ पे मेन सेंसर 48 मेगापिक्सल्स का है, 2 मेगापिक्सल्स का डेप्थ सेंसर है और 2 मेगापिक्सल्स का मैक्रो शॉट्स के लिए लेंस है। फ्रंट साइड की बात करें तो यहाँ पे एक हाईलाइटिंग चीज़ है जिसको मैं काफ़ी ज़्यादा अप्रिशिएट करूँगा। यहाँ पे 48 मेगापिक्सल्स का सेल्फी शूटर लगाया गया है, जो कि डेफिनेटली एक काफ़ी कमाल बात है। खोल के देख लेते हैं इसके कैमरा को, देखते हैं कौन कौन से मॉड्स अवेलेबल हैं। सबसे पहले यहाँ पे आपको फिल्म मॉड देखने को मिलेगा, जिसको डेफिनेटली मैं इसके कैमरा रिव्यू में कवर करूंगा, क्योंकि ये मुझे कुछ नया लग रहा है तो इसको मैं टेस्ट आउट कर लूंगा। वीडियोस मोड देखने को मिलेगा, जहां पे आपको मैक्सिमम 2K की वीडियो सपोर्ट देखने को मिलती है और यहाँ पे मैक्सिमम आप 10x तक जूम कर सकते हैं। अब यहाँ पे वीडियोस मोड में आपको लाइव बुके मोड भी देखने को मिलेगा, यानी कि बैकग्राउंड को आप वीडियोस में काफ़ी अच्छे तरीके से ब्लर कर पाएंगे, और ब्यूटी मोड भी देखने को मिलेगा। आगे जाके यहाँ पे आपको AI कैमरा देखने को मिलेगा, साथ ही साथ ब्यूटी मोड देखने को मिलेगा, पोर्ट्रेट मोड देखने को मिलेगा, जिसमें हमेशा की तरह हम अपनी लेंगे एक पिक्चर और देखेंगे कि भाई रिजल्ट कैसा निकल के सामने आता है। अब ये इस वक्त इंडोर में हमने पिक्चर ली है और यहाँ पे डिटेल्स को काफ़ी अच्छे से कैप्चर किया है, लेकिन ये मेरा कोई फाइनल ओपिनियन नहीं है। इसको हम पूरा टेस्ट आउट करेंगे इसके कैमरा रिव्यू में और देखेंगे इंडोर आउटडोर कैसा रिजल्ट निकल के सामने आता है। अब यहाँ पे बैकग्राउंड बुके भी काफ़ी अच्छे से किया हुआ है, और अगर एज डिटेक्शन की बात करें तो यहाँ पे एज डिटेक्शन में थोड़ा सा इशू है, लेकिन ये सारी चीज़ें क्लियर होंगी इसके कैमरा रिव्यू में। अब आगे चल के बात करें तो यहाँ पे आपको सुपर नाइट मोड भी देखने को मिलता है, यानी कि रात के वक्त भी आप काफ़ी अच्छी पिक्चर्स को शूट कर सकते हैं। अब यहाँ पे आपको और भी काफ़ी सारे मॉड्स देखने को मिलेंगे, जिसमें AR शॉट्स है, शॉर्ट वीडियोस है, अल्ट्रा HD है, स्लो मो है, पेनोरामा है, डॉक्यूमेंट्स मॉड है और टाइम लैप्स है। आगे चलकर टेक्नो कैमन 18T के हम बैटरी की बात कर लें, तो यहाँ पे 5000mAh की बैटरी है और 18W की फास्ट चार्जिंग की सपोर्ट भी है, 18W का चार्जर भी है भाई डब्बे में। अब यहाँ पे ओवरऑल अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे टेक्नो कैमन 18T का डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा पसंद आया, काफ़ी प्रीमियम देखने में लगता है, हैंड फील भी अच्छी है, थोड़ा सा भारी है लेकिन ओवरऑल इसका डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। अब यहाँ पे डिस्प्ले की बात करें तो वहाँ पे भी फुल HD प्लस का रेजोल्यूशन है, लेकिन जो चीज़ मुझे कमी लगती है वो है IPS पैनल, साथ ही साथ 60Hz का रिफ्रेश रेट। यहाँ पे किसी किस्म का एक्स्ट्रा रिफ्रेश रेट नहीं रखा गया। जब मैं इसके डिस्प्ले को देखता हूँ तो मुझे याद आता है इन्फिनिक्स नोट 11, जिसमें हम 2 से 3 हज़ार रुपये अगर एक्स्ट्रा खर्चें तो हमें एक AMOLED पैनल देखने को मिल जाता है, जो कि डेफिनेटली एक प्रीमियम चीज़ है। यहाँ पे कलर एक्यूरेसी ज़्यादा अच्छी होती है और बैटरी को भी कम कंज्यूम करता है। अब आप लोगों का क्या कहना है कि हमें 2 से 3 हज़ार रुपये एक्स्ट्रा खर्च के इन्फिनिक्स नोट 11 लेना चाहिए, या ये फ़ोन ठीक है IPS पैनल के साथ 60Hz के रिफ्रेश रेट के साथ? बाकी दोस्तों, इसका गेमिंग रिव्यू, इसका कैमरा रिव्यू, इसका फुल रिव्यू वो मैं चैनल पे अलग से अपलोड कर दूंगा। और हाँ, अगर आपको इन्फिनिक्स नोट 11 और टेक्नो कैमन 18T के बीच में कंपैरिजन चाहिए तो भी मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। दोस्तों, उम्मीद करता हूँ आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो इसको प्लीज़ लाइक कर दीजिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिएगा। अगली वीडियो तक के लिए अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।